नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आयुर्वेदिक उपचार में। और आज हम एक ऐसा फार्मूला तैयार करने जा रहे हैं, अगर किसी भाई को सेक्स संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, वीर्य संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, या टाइमिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या नसों की कोई भी कमजोरी हो, उनके लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक फार्मूला तैयार करेंगे जो आपको आसानी से अवेलेबल भी हो जाएगा और आप अपने घर पर इसे बना भी सकते हैं। तो दोस्तों, प्योर आयुर्वेदिक है। सबसे पहले हम लेंगे, ये देख सकते हैं, परवाल पिष्टी, जो कि एक पतंजलि की आयुर्वेदिक मेडिसिन है। सबसे पहले परवाल पिष्टी हमें लेनी है, 10 ग्राम एक पाउच इसका आता है। इसको हम काट करके पहले इसको एक जगह पर, साफ़ जगह पर इसको डाल लेते हैं। ये मिश्रण जो तैयार होगा बहुत ही लाजवाब, कारगर रामबाण इलाज रहेगा सेक्स संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो। सबसे पहले हम परवाल पिष्टी को यहाँ पर डाल देते हैं, अभी मिश्रण तैयार करेंगे। उसके बाद हमें लेना है एक वैद्यनाथ की, देख सकते हैं सामने, वंग भसम, वैद्यनाथ की वंग भसम है, 10 ग्राम की क्वांटिटी है इसकी। इसे भी हम इसके अंदर डाल लेंगे। इसके साथ ये देख सकते हैं, लिटरेचर भी ये पढ़ भी सकते हैं आप, इसके अंदर बताया गया सब कुछ। अब इसको खोल लेते हैं, सील बंद है। इसे भी हम साथ में वंग भस्म को परवाल पिष्टी के अंदर मिला लेंगे, 10 10 ग्राम। अभी तीसरी जो मेडिसिन हम इसमें लेंगे वो देख सकते हैं, इसमें बड़ का दूध, सूखा हुआ बड़ का दूध इसमें है। ये भी हमें इसी के अंदर मिलाना है, जो वीर्य संबंधी विकार होते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहता है ये बड़ का दूध। वीर्य को गाढ़ा करता है और वीर्य की क्वांटिटी में भी बढ़ोतरी करता है। जो लोग कहते हैं कि हमारा वीर्य कम रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है, पतला रहता है, उनके लिए बड़ का दूध विशेष तौर पर काम करेगा। इसमें हम मिला लेते हैं और आपको ये जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है ये आपको सभी आसानी से मिल जाएगी मार्केट में, आप इसे अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। दोनों हमने इसमें मिला लिया। इसके बाद जो हमें मिलाना है, ये एक अगली मेडिसिन हमने, वीर्य शोधन वटी, जो एक व्यास फार्मा कंपनी की है, वीर्य शोधन वटी। इसमें टेबलेट बेस है, सिल्वर कलर की इसमें जो टेबलेट है, इसमें साथ में ये देख सकते हैं लिटरेचर है, इसे आप पढ़ भी सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। एक पूरा इसके अंदर विवरण दिया गया है वीर्य शोधन वटी का। ये विशेष स्तर पर जो शुक्राणुओं की ज़्यादा कमी रहती है, तो हमारे स्पर्म में शुक्राणुओं की कमी रहती है, उसको बढ़ोतरी करती है। इसे हम एक मिक्सी के जग में ले लेंगे, क्योंकि इसको ग्राइंड करना पड़ेगा, पाउडर बेस इनका बनाना पड़ेगा टेबलेट्स का। तो हम इसमें मिक्सी में जग में इसको डाल लेते हैं सभी टेबलेट्स को। अभी इसके बाद जो हमें अगली मेडिसिन लेनी है, ये देख सकते हैं, वैद्यनाथ कंपनी की चंद्र प्रभावटी, ये काफ़ी रोगों में कारगर है, वात रोगों में भी, मूत्र विकार जो इसको भी है उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है चंद्र प्रभावटी। तो हम इसको इसमें भी साथ में कम्बिनेशन में इसको मिलाएंगे। ये 40 टेबलेट्स में हमने डाल ली है। अभी इसके बाद जो अगली मेडिसिन लेंगे, इसमें हमें लेना है धातु पौष्टिक चूर्ण, जो व्यास फार्मा का है, ये 100 ग्राम का आता है। इसमें हमें 50 ग्राम की मात्रा इसमें हमने डालनी है धातु पौष्टिक पाउडर की। इसको भी इसी के अंदर डाल लेते हैं, हल्का सा मोटा होता है, इसको बारीक ग्राइंड कर सकते हैं मिक्सी के अंदर। इसके बाद लेना हमें सालम पाक, पाक जो होता है इसमें मिठास रहता है, आप सालम पाउडर भी ले सकते हैं उसका। हमने लिया इसमें सालम पाक, जो खाने में भी बड़ी आसानी रहती है और लाभ भी पूरा हमें मिलता है। इसकी क्वांटिटी भी हमें 50 से 60 ग्राम इसमें ले लेनी है।
इसको भी हम इस जग के अंदर डाल लेते हैं। दानेदार है ये भी, इसके बाद हम अगला लेंगे, ये वैद्यनाथ कंपनी का है मूसली पाक, आपने देखे वो सफ़ेद मूसली, ये भी हम 50 ग्राम की क्वांटिटी इसमें डाल लेते हैं। मूसली देखिए तो सफ़ेद कलर की होती है मूसली, उसको पीस कर पाउडर बनाया गया है मूसली पाक, उसके बाद इसका पाक बनाया जाता है। अभी ये कोच पाक अगला है, ये हमें डालनी है 100 ग्राम की क्वांटिटी कोच पाक। ये कोच के बीज होते हैं, उसको दूध में उबाल करके उसके ऊपर वाले छिलक को उतार करके इस पाउडर को तैयार करके फिर इसका पाक बनाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है इस कोच पाक का भी, चाहे सेक्स संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भाई को कोई निराश हो, तो एक बार इस फार्मूले को ज़रूर यूज करें, ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। अभी इनको सभी चीज़ों को मिला करके मिक्सी को इसको ग्राइंड कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। वो भी अच्छे से पाउडर बेस बन जाए, फिर मिक्सिंग भी अच्छा से जो पाक होता हमारा, हर जब मिलाया है कोच पाक, मूसली पाक, पालक पाक, वो अच्छे से बारीक पाउडर हो जाए और हमें कोई भी दिक्कत हमें ना हो। अभी हमने इसको बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया है, ये देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पाउडर हो चुका है, इसका कलर भी ब्राउन कलर का हो चुका है। अभी इसमें जो हमने बड़ का दूध और वालपिष्टी और वंग बसम के अंदर इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, पूरी तरह से इसको मिक्स करके अभी हमारी जो मेडिसिन है, जो फार्मूला है, ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुका है। बस इसको अच्छी तरह से मिला लेना है, पूरी तरह से आपस में मिल जाए। देखिए पूरी चारों तरफ से इसको अच्छे से मिला लेना है और इसको बिल्कुल साफ किसी प्लास्टिक की डिब्बिया, कांच की डिब्बिया में भर कर रख लेना है, हवा ना लगे, हवा लगेगा तो ये गीला हो सकता है और इकट्ठा इसमें जैसे गीला हो सकता है हवा के जाने कारण। और लेना कितना है इसमें, जैसे आधी चम्मच, जो चम्मच देख सकते हैं छोटी चम्मच जो होती है हमारे, आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम को, गाय के दूध के साथ रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप भैंस के दूध के साथ भी ले सकते हो। सुबह शाम लीजिए, आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त असर देखने को मिलेगा और आपकी सेक्स पावर जो ख़त्म हो चुकी थी, नसों का ढीलापन था, वीर्य की जो क्वांटिटी थी वो कम थी, वीर्य पतलापन था, टाइमिंग नहीं आ रही थी, इस फार्मूले से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। राम राम।